हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। हमारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एचएसएन कोड के बारे में। जीएसटी के आने के बाद एचएसएन कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने के लिए, एंड गवर्नमेंट इसके लिए ऑपरेशंस निकालती रहती हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस होनी चाहिए एचएसएन कोड से रिलेटेड। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट का एक नया रूल है, अगर किसी भी कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको 6 डिजिट्स की एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट होती है, एंड अगर 5 करोड़ से कम है तो उसको 4 डिजिट की एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, तो आज की हमारे इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस एचएसएन नंबर को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। गूगल पे बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, मे बी वहाँ पे कुछ एरर आ सकता है, कुछ भी गलती से आप कोई और एचएसएन ले सकते हैं। बिजी सॉफ्टवेयर में एक नया अपडेशन आया है जिसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा एचएसएन कोड बिल्कुल परफेक्ट है और कौन सा वैलिड है। इसके लिए हम बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स पर जाना है। मास्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आइटम पे आने, आइटम में आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड को हम यूज़ तब करेंगे जब हमें किसी प्रोडक्ट को ऐड करने हैं। अभी मैं मॉडिफाई पे जा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट क्रिएट किए हुए हैं मैं उसका एचएसएन वैलिडेट करना जा रही हूँ। तो मैंने एक कोई भी आइटम चूज़ कर लिया वहाँ से। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एचएसएन नंबर लिखा हुआ है, इसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेट। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो प्रोडक्ट को हम जिस एचएसएन को हम वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन मिल गया। देन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है सर्च एचएसएन, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एचएसएन नंबर की डिजिट्स डालनी है, एंड यहाँ पर इसको आपको सर्च करना है। आप जो भी एचएसएन नंबर के डिजिट्स यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे सर्च करते ही आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आप किस किस यूज प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा एचएसएन नंबर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 2 डिजिट्स, 4 डिजिट्स और 6 डिजिट्स के भी ऑप्शंस मिले हैं कि अगर आप दो डिजिट अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कौन से 2 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, 4 डिजिट में कौन से यूज़ कर सकते हैं और 6 डिजिट्स में कौन से यूज़ कर सकते हैं। एंड पूरा प्रोडक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप किसी भी प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएंगे, एंड आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, एंड जहाँ पर भी आपको यूज़ है वहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट का एचएसएन नंबर बिल्कुल करेक्टली देख सकते हैं यहाँ से। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आइटम को क्रिएट करते टाइम आप अगर कोई भी एचएसएन नंबर डालते हैं तो वो एचएसएन नंबर आपके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाए कि आप कितने डिजिट के डालना चाहते हैं। अगर आप कम या ज़्यादा डालते हैं तो बिजी की तरफ से आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। इसके लिए आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। देन उसके बाद ऑप्ट करेंगे फीचर्स। फीचर्स के बाद यहाँ पे लिखा है जीएसटी वैट, इसको चूज़ करेंगे। देन यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे आपको मिनिमम डिजिट्स एचएसएन नंबर के चूज़ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप जितने डिजिट्स चाहते हैं आप यहाँ पे उसको डाल दीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए। मिनिमम डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड आप यहाँ पे इसको डाल दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। मैंने सेव कर दिया इसको 4 डिजिट्स के लिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हम मास्टर्स पे जाएंगे, मास्टर्स में आइटम पे आए, आइटम पे हम ऐड करते हैं। ऐड करने में मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले लिया। मैंने प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पे इसको एक ग्रुप में फिनिश गुड्स में डाल दिया। पीसीज मैंने ले लिए, क्वांटिटी डाल दिया। मैंने 12% का रेट चूज़ कर लिया। देन मैंने यहाँ पे एचएसएन में मैंने 3 डिजिट्स डाल दिए। अब मैं इसको जैसे ही सेव करूँगी यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे 4 डिजिट्स के लिए वहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो ये 3 डिजिट्स सेव नहीं हो पा रही हैं। तो बिजी की तरफ से ही आपको एरर मैसेज शो कर जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आप लोगों को वार्निंग मैसेज नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए हमें जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है वार्निंग अलार्म। वार्निंग अलार्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एचएसएन नंबर के रिलेटेड में वार्निंग चाहिए नहीं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं नो एक्शन, वार्निंग मैसेज या डोंट अलाउ। आपको जो आपके अकॉर्डिंग जो भी सूट करते हैं आप उसको चूज़ कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो भी एचएसएन नंबर डले हुए हैं हम उनको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना है ट्रांजेक्शन्स पे। ट्रांजेक्शन में जाने के हमें आना है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज़ पे।
इस पे आने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है वैलिडेट HSN। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है सिंगल HSN और मल्टीपल HSN, मैंने मल्टीपल चूज़ किया। मल्टीपल पे चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है लोड डेटा, इस पे क्लिक करना है। सारे डेटा लोड हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे आपने जितने भी प्रोडक्ट आइटम क्रिएट करे हैं सबके HSN नंबर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट ऑल एंड यहाँ पे वैलिडेट ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब ये सारे के सारे HSN नंबर वैलिडेट हो रहे हैं ऑनलाइन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड दोनों तरीके के डेटा आ रहे हैं। जो आपका HSN ठीक है उसमें वैलिड आ रहा है और जो HSN ठीक नहीं है उस पर इनवैलिड HSN लिखा हुआ आ रहा है। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके GST की रिटर्न में जो HSN नंबर जाते हैं उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो आप कहाँ से ढूंढें, तो उसके लिए हमें जाना होगा GST मिसलेनियस यूटिलिटी पे दोबारा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपडेशन HSN HSA डिस्क्रिप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे आपके पास जितने भी प्रोडक्ट के HSN नंबर हैं वो सबकी लिस्ट आ जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन का स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। इस डिस्क्रिप्शन में आप ओनली 20 कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कैरेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो अलाउड नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखें, तो उसके लिए हम ये सारे के सारे जितने भी HSN नंबर हैं इसको कॉपी करके एक्सेल पे पेस्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम वन बाय वन करके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका। मैंने इन सबको कॉपी कर लिया, देन मैंने इसको एक्सेल पे पेस्ट किया। अब हम फिर से जाएंगे मास्टर्स पे, आइटम पे, मॉडिफाई, किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे HSN नंबर पे, HSN पे हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट पे हम सेकेंड ऑप्शन चूज़ करेंगे सर्च करने वाला। सर्च करने पर जाने के बाद यहाँ पर आपको वो HSN नंबर पुट करना है जो अभी वहाँ पे हमने पेस्ट किया है। मैंने यहाँ से एक HSN नंबर को कॉपी कर लिया, देन मैं आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने जैसे सर्च किया वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन खुल के सामने आ गया है। मैंने इसको यहाँ पर से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको एक्सेल में पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे ये HSN नंबर 20 कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम नॉर्मली लेफ्ट का फार्मूला लगा के इसको 20 कैरेक्टर का बना देते हैं। मैंने लेफ्ट का फार्मूला लगा के इसको अप टू 20 कैरेक्टर्स का कर दिया। अभी हमारा इसका डिस्क्रिप्शन 20 कैरेक्टर तक का हो गया है। अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी क्लियर कर लिया एंड देन जाके मैं बिजी में उसको वहाँ डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में इसको पेस्ट कर देती हूँ। ऐसे ही वन बाय वन करके आप HSN नंबर को सर्च करके एक्सेल शीट को बनाने के बाद उसको लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के उसको 20 कैरेक्टर का करने के बाद सारे डिस्क्रिप्शन को वन बाय वन करके पुट कर सकते हैं सिंपली। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ एक का करके दिखाया है, ऐसे आपको सारे करने होंगे। तो इस तरीके से हम HSN नंबर के सारे डिस्क्रिप्शंस को पुट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि HSN से रिलेटेड बिजी में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, और अगर आप परेशान हैं कि आपका HSN नंबर कौन सा किस कैटेगरी से रिलेटेड है तो उसको भी बिजी सॉफ्टवेयर में हम बिल्कुल ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।